प्रकृति यानी नेचर के साथ जुड़े रहने से मन शांत और तरोताजा बना रहता है। हाल ही में मैं हिमालय पर्वत पर आपके लिए जब खाने की चीजें ढूंढने गया तो वहां ताजा लहसुन देखकर ऐसा लगा कि यहीं खेत में बैठकर आपके लिए इसकी चटनी बना दूं। लहसुन की काफी किस्में पाई जाती हैं, कुछ छोटी और कुछ बड़ी, जिसे हाथी लहसुन भी कहते हैं। ये करीब आधा किलो का हो सकता है, नहीं जानते थे ना आप। इसका इस्तेमाल सैलड आदि में किया जाता है, लेकिन छोटे लहसुन का स्वाद लाजवाब है।